आपको दिखाने वाला हूँ कि बिंदी का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है और किस तरीके से बिंदियाँ बनाई जाती है। दोस्तों देखिए, इस तरीके से मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा आपको अलग अलग सुरुचि से लेकर एक से एक ब्रांड आपको दिखने के लिए मिलता है। और एक पैकेट की हम बात करें तो 50 पैसे से मैंने आपको दिखाया था, 50 से लेकर 10, 20, 25, 50 तक आपको एक से एक ब्रांड में आपको मिल जाता है। लेकिन इसकी रियल मिनिमम प्राइस की हम बात करें कितना में ये तैयार हो जाता है, देखिए आपको स्टोन जो इसके ऊपर लगा होता है बिंदी के ऊपर, जैसे आपको कई सारी बिंदियों में दिखता होगा, देखिए स्टोन, ये रॉ मटेरियल है। दोस्तों आपको रॉ मटेरियल के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। देखिए अलग अलग रॉ मटेरियल है, सारा आज रॉ मटेरियल मिलने वाला है और क्या क्या इसमें बेनिफिटें आने वाली हैं। देखिए इस तरीके से रैपर में किस तरीके से बिंदी को सेट किया जाता है, क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला, सीधे यहाँ के आनर से मुलाकात करेंगे, सारा कुछ डिटेल्स आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। स्वागत है। और आप एक नए बिजनेस के बारे में आपने मुझे बताया कि आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बहुत सारे युवाओं को आपने ये ट्रेनिंग दिया और अपने पैर पे लोग खड़े भी हुए और मार्केट में अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। बिजनेस करता है सर, क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है और इसे करके कितना अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, मेरे व्यूअर को सर बताइए। चलिए बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए बिंदी ऐसा बिजनेस है कि सुहाग का बिजनेस होता है और इसका कोई सर सीजन नहीं होता है, ये 12 महीना बिकने वाला 12 महीना चलने वाला प्रोडक्ट होता है। अगर हमारे घर में या किसी के घर में 5 लोग हैं तो 5 की आवश्यकता है बिंदी, जो रोज लगाना है और रोज उखाड़ के उसको फेंकना है। सर क्या बात है, जैसे सर ने बताया 365 दिन यूज करने वाला बिजनेस है। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो कभी भी फेल नहीं होने वाले हैं, जैसे सर ने बताया उसको मैंने अपने सरल भाषा में आपको बताया। और रही बात सर की, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो जैसे बात हुआ बताया कि ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर करता हूँ, सप्लाई कर रहे हैं इस समय, लेकिन मैं आजकल देख रहे हैं कि यूट्यूब पर काफी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ऑनलाइन की हम बात करें तो फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है, चीटिंग वगैरह ज्यादा हो रहा है, तो कैसे कोई ट्रस्ट करे? जिसके साथ जुड़ के वर्क कर रहे हैं, जिसके साथ जुड़ के आप बिजनेस कर रहे हैं, वो बंदा सही है, वो जगह सही है, वो काम करने लायक है या नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने व्यूअर को बताना चाहूंगा, हमारे जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, उनको मैं ये बताना चाहूंगा, पहली बात कि आप जल्दी किसी पर ट्रस्ट मत करिए, बिलीव मत करिए किसी पर। पहली बात तो आप, हम यही चाहेंगे कि पहले बात करें, बातों से संतुष्ट हो तो आप जरूर हमारे घर आइए, घर आने के बाद देखिए या मेरा ऑफिस पड़ता है ऑफिस आइए, हमसे फेस टू फेस बात करिए, उसके बाद से ही हमसे माल को परचेज करिए, मटेरियल लीजिए और बनाइए। कोई शुरू करता है जी, तो मिनिमम क्या लागत से स्टार्टिंग किया जा सकता है? देखिए सर, ये ऐसा बिजनेस है, बिंदी का ऐसा बिजनेस कि कम लागत में आ कम जगह में, देखिए आप बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस यूट्यूब पर फेसबुक पर चल रहा है जिसके लिए स्पेस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बिंदी के लिए स्पेस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप छोटे से जगह में इसको चालू कर सकते हैं, आप मिनिमम 4,500 से 5,000 रुपया में आप घर बैठे इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। अब देखिए मैं ऑल इंडिया सप्लायर हूँ, ऑल इंडिया अपने माल को भेजता हूँ, बहुत सारे दूर दूर के लोग हमारे फोन करते हैं, जो आना चाहे वो आ सकता है, वेलकम है, जो नहीं आना चाहता है वो ऑनलाइन भी हमको बुक करके अपने घर पे होम डिलीवरी मंगा सकता है और मंगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। बताता हूँ सर, जैसे कार्ड आता है हमारे पास कटा कटा आता है, बिल्कुल एक कटा हुआ है, ठीक है, कटने के बाद जो बिंदी के सीट आते हैं ये भी कटा हुआ होता है, ठीक है, फेविकोल आते हैं, नग आते हैं, सितारे आते हैं, स्टोन आते हैं, सब हम कटा कटाया देंगे, आपको कोई भी मशीन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 50,000, 1,00,000 का मशीन लगाओ, शुरू में लगाइए और आपका बिजनेस न चल पाए, तो उसके लिए हम रॉ मटेरियल कच्चा आपको देते हैं, आप उसको लगाइए, लगाने के बाद असेंबलिंग करिए और मार्केट में सेल करिए। अगर मार्केट में सेल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो शुरू शुरू में माल हमको वापस दीजिए, हम पूरा माल वापस लेंगे, बनवाई देते हैं 50 पैसा पीस, एक पीस बनाने का 50 पैसा देते हैं, चाहे जितना आप अपने अनुसार से बनवाइए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई अगर बिलीव नहीं करता है तो स्टाम्प पेपर लाए उस पर लिख दूंगा, लिखने के बाद ही मैं उसको माल दूंगा। देखिए शुरू शुरू में कोई भी काम शुरू में करता है तो उसको मार्केटिंग करने में, देखिए बिजनेस तो आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो सेलिंग का होता है किसी भी बिजनेस में। तो हम अपने कस्टमरों के लिए इतना सुविधा दिए हैं कि शुरू शुरू में अगर उनका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना मार्केट नहीं बन रहा है तब तक वो माल हमको वापस दें, अपनी मजदूरी लें और माल के बदले माल लें, जब उनका खुद का मार्केट बन जाता है तो हमसे कच्चा माल लें, अपना खुद का सेल करें। बात करें कॉस्मेटिक में बिंदी भी आती है सर, बिंदी के अलावा भी कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ओनली बिंदी का? नहीं सर, हमारा जो काम है सिर्फ ओनली फॉर बिंदी का काम है, मैं होलसेलर हूँ और कच्चा रॉ मटेरियल ज्यादातर हमारे यहाँ से बिक्री होती है। अच्छा, साथ साथ में बैनर की बात देख रहा हूँ सर, मशरूम भी दिख रहा है, क्या इसका भी कुछ आपका प्रोडक्ट? हाँ जी बिल्कुल। देखिए मशरूम के लिए तो मैं बताऊँ तो मैं कई अपने देश के अलावा नेपाल भूटान तक अपने मशरूम का मैं कार्यक्रम रखता हूँ। मशरूम का हम क्या करते हैं, अपने कस्टमरों को मशरूम उत्पादन कराते हैं और खुद एग्रीमेंट के तहत उसको खरीद भी लेते हैं, उनको बाहर बेचने की आवश्यकता नहीं होती है, टोटल मैं खरीद भी लेता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में
में मैं आपको मशरूम के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ, लेकिन बैनर दिखा, आप सोच रहे होंगे कि ये बैनर किस लिए लगा है, इसके बारे में मैंने सर से चर्चा की अनु भैया से, और आज की जो स्पेशल वीडियो होने वाली है बिंदी का रॉ मटेरियल के होने वाली है। अगर रॉ मटेरियल कोई लेता है तो कितना से स्टार्टिंग हो जाएगा? देखिए सर, की बात किया, इस भारतवर्ष में हजारों नहीं लाखों तरह के बिंदियाँ बनती हैं, अलग अलग लोग बिंदियाँ बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बनता है मिनिमम 1.5 रुपया लागत से बनती है, जो बिक्री के होलसेल नहीं फुटकर में बिक्री का 5 का होता है, और 2.5 रुपया लागत की जो बनती है वो बिक्री का 10 का होता है, 8 का होता है, मिनिमम 1.5 रुपया से स्टार्ट है हमारे यहाँ। अच्छा, 1.5 रुपया से स्टार्ट है। अच्छा, तैयारी करके कितने में सर? उसको होलसेल में 3 रुपया में, फुटकर जो बेचते हैं लोग उसको 5 रुपया में बेचते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों ये भी चीज़ मैंने क्लियर किया सर। जुड़ जाएगा तो मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, लाइव वीडियो कॉलिंग पर ट्रेनिंग दूंगा, कार्ड बिंदी लेता हूं उसको कैसे बनाना है, कैसे असेंबलिंग करना है, वो सारा चीज हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, मार्केटिंग की ट्रेनिंग के साथ साथ अगर उनका सेल नहीं होता है शुरू में तो माल हम भी ले लेते हैं बनवाई देकर, और फिर जब उनका मार्केट बन जाता है तो खुद अपना सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, और दोस्तों आपके माइंड में आता होगा कि सर ने जैसे बताया कि ऑल ओवर इंडिया में मैं डिलीवर करता हूं, लेकिन आप कैसे ट्रस्ट करेंगे, आप कैसे अकाउंट में पैसा डालेंगे, क्या पैसा डालने के बाद आपका माल आपके घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, किस तरीके से विश्वास करेंगे? अनुप सर जरा इसके बारे में। जी जी, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए ऐसा है कि जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो मेरा नाम भी जानते हैं, हमारी जो फर्म का नाम है समृद्धि एग्रो फार्मिंग रिसर्च सेंटर है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंट नंबर देता हूं अपना अनुप कुमार के नाम से, फोन पे भी अनुप कुमार के नाम से, जो मोबाइल नंबर रहेगा उसका भी आईडी अनुप कुमार के नाम से, मेरा टोटल आईडी, आधार कार्ड पैन कार्ड हमारा पहले लीजिए, उसके बाद से ही पेमेंट करिए हमारे पास, ऐसा नहीं कि अचानक आप पेमेंट कर दीजिए, आप हमारा आईडी मंगाइए, हमसे संतुष्ट होइए, तब हमारे बिजनेस से संतुष्ट होइए। बिल्कुल सर जी, तो आप बहुत ही कम लागत, जैसे बताया ने सर कि आप एक छोटे से स्मार्टफोन के बजट में इस बिजनेस को शुरू करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिंदी का रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, आपके भी माइंड में शायद ये जिक्र आता होगा मैं कहाँ से लूँ, कितना सस्ता पड़ेगा, और अनुप सर ने जैसे बताया कि अगर मेरे से आप बिजनेस को शुरू करते हैं मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये में इस बिजनेस को शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।